Hello dear students of class 5. So I am your maths teacher. So today we will study from page 14, and exercise is 1C, right? Page 14 and exercise is 1C. The first question is about fill in the blanks, right? So fill in the blanks, first part is given that 720856 multiply dash. So 720, this is the answer, 720856 000. So इसमें जो number दिया गया है इसमें 000 जो है वो add हो गया, ठीक है? तो 000 add होने से का मतलब है कि आपने 1000 के साथ उसको तीन zeros के साथ multiply कर दिया, तो वो 000 add हो गया उसमें. So B part is you have to multiply, blank is given, multiply by 100. तो ये number दिया गया है, इसमें 00 का अजाफा हो जाएगा, तो ये number 0 ख़त्म करके तो इस तरफ हम लिख देंगे, यही number 00 को ख़त्म करके इस तरफ लिख देंगे, तो उसको 100 से multiply करेंगे, तो ये answer दोबारा आ जाएगा, ठीक है जी? तो 45200 multiply 20 को आप multiply करेंगे तो 904000 आ जाएगा, ये आप करके देख सकते हैं. If 152695 is divided by 10, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 152695 डिवाइड बाय 10, तो डेसिमल 5 आ जाएगा एंड में, रिमाइंडर जो है उसका. 358800 डिवाइडेड बाय 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 00 ख़त्म हो जाएगा, तो अप टू 358888 रह जाएगा, ठीक है जी, 388 रह जाएगा. So state whether the following true or false. True or false, ये पीछे properties दी गई हैं, उसमें से देख के आपने इनको जो properties addition की, subtraction की, multiplication की, division की दी गई हैं, उसमें आपने associative property, commutative property, और वो आप उसमें ये देखें, इसको study करके ये आप खुद से इसको solve कर सकते हैं. तो ये वैसे मैंने सॉल्व किया है इसको, आप फर्स्ट वन इज़ ट्रू, सेकंड वन इज़ ट्रू, थर्ड वन इज़ ट्रू, लास्ट टू आर फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो 100,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100,000 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, 20 100,000 में से कट जाएंगे, तो आपके पास 1,000 रह जाएगा. सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, राइट. द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कौन सा होता है स्मॉलेस्ट जो आपका सिक्स डिजिट नंबर है, दैट इज स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, दैट इज 100,000, ठीक है, 1,00,000 जो होता है वो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर होता है. तो कहता है कि स्मॉलेस्ट सिक्स उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 6 तो नंबर ऑलरेडी हैं, 20 और उसमें ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 मिलियन, 10 मिलियन बन जाएगा आपका, ठीक है, 100,000 में दो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 मिलियन के इक्वल हो जाएगा. आप प्लेस वैल्यू चार्ट को देख सकते हैं, उसमें ये फिगर्स ऐड करके देखें कि कहाँ तक जाती है 10 मिलियन तक, तो आपके कम अज़ कम 8 डिजिट्स बन जाएंगे, ठीक है. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, उसमें 2 डिजिट और ऐड कर देंगे तो वो आपके 8 डिजिट बन जाएंगे, तो 8 डिजिट जो है वो 10 मिलियन तक होते हैं. देन एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर एडिशन, ठीक है, एडिशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए भी नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी नहीं, एक्सपेंशन एडिशन होता है. सो 5694 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, ये 564 डिवाइडेड बाय 13, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 438 आता है. तो आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने किया भी है आपके लिए, आप इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर है 438, 438 इज़ आंसर डिवाइड करने से. 698257 मल्टीप्लाई 24, तो ये भी मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये आंसर 168, तो ये ऑप्शन आपकी, ये एक दफ़ा देख लें आपके लिए, ठीक है. ओके, सो द आंसर ऑप्शन है ये सी ऑप्शन जो है इसकी, 1675816 जो है वो आंसर है. देन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10, ठीक है,
टेन के साथ एक जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का, किसी भी नंबर को आप टेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, एक कॉलम जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में कि टेन से हंड्रेड से थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो कॉलम्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ज़ीरो जो है वो बढ़ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा, इसमें एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, इसमें भी एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो मैंने आपके लिए ये सॉल्व भी किए हैं, वैसे ये देखें इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। ये 10, 5, 105, 322 है आपके पास, तो ये 105, 322 है, तो एक ज़ीरो साथ ऐड हो गया, राइट। इस तरह से आप सी पार्ट भी है मैंने किया आपके लिए, 8683601 10 से किया मल्टीप्लाई तो एक ज़ीरो इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई बाय 100, ये 10 के साथ था 4, और मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ करके देखें, 100 के साथ ऐड करेंगे तो दो कॉलम ऐड हो जाएंगे, दो ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 7641320 आ जाएगा इसके साथ, इसके साथ भी 00 आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी 00 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। दैन क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, ठीक है। वो 10 के साथ था, 100 के साथ था, 1000 के साथ आ गया, 1000 के साथ ये मैंने किया भी है आपके लिए पार्ट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन ज़ीरो का जो है वो इजाफा हो जाएगा, 3 कॉलम्स विल बी इंक्रीज्ड, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम थे, नाउ 3 कॉलम्स आर एडेड बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000, राइट। सो इसमें 3 कॉलम्स ऐड कर लें, इसमें भी 3 कॉलम्स, इसमें भी 3 कॉलम्स, ठीक है, ऐड हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, नाउ चेंज, अब मल्टीप्लाई था पहले, अब डिवीजन, सो डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। सो डिवाइड करने से मैंने आपको बताया था कॉलम रिड्यूस होते हैं, कॉलम्स कम हो जाते हैं, 10 के साथ करेंगे तो ये वाला एक ज़ीरो कम हो जाएगा, ठीक है। तो 3, 4, 7, 0, 8 रह जाएगा, इसमें भी एक ज़ीरो कम हो जाएगा, इसमें भी एक ज़ीरो कम हो जाएगा डिवाइड करने से। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100, तो इसमें 100 है तो दो कॉलम कम हो जाएंगे, ये कॉलम, ये दो ज़ीरो कम हो गए, ये दो ज़ीरो कम हो गए, ठीक है। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, 1000 को इससे करने से तो 3 कॉलम कम हो जाएंगे, ये वाले तीनों कॉलम कम हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर ये रह जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया था सॉल्व करने का, तो अगर आपको याद है तो आप के लिए मैंने एक पार्ट किया है, तो इसी तरीके से आपने वो करना है। ये पार्ट ए है हमारे पास, 182165 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। 5 5 से 25, ये कैरी के साथ, 5 6 से 30 32, 3 कैरी, 5 1 से 5 प्लस 3 8, देन 5 2 से 10, 1 कैरी, 5 8 से 40 41, 1 लगा, 4 कैरी, 5 1 से 5 प्लस 4 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास नंबर 2 के साथ, आप पहले 0 लगाएंगे इधर, फिर 5 2 से 10 करेंगे, 6 2 से 12 13 2 1 से 2 3 2 2 से 4 2 8 से 16 1 कैरी, 2 1 से 2 3, तो इसको ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट ए पार्ट, ठीक है जी। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं आप वो खुद कर सकते हैं, सो दैट इज़ योर होमवर्क। सो इफ़ यू सॉल्व दीज क्वेश्चन, टेक पिक्चर एंड सेंड इट टू मी, सो you can work with your mother at home, and if you still need to ask something you can ask in comment box on my YouTube channel or on Facebook. Thank you very much.